गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। कि जो अपना डिस्टिल्ड वाटर होता है, जिसमें मिनरल्स वाटर भी बोलते हैं इसको, ये कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को, जबकि रेन वाटर करता है। रेन वाटर में क्या होता है भाई, रेन वाटर क्या करता है, जो गैस होती है एटमॉस्फेयर में, जैसे CO2 है, SO2 है, NO2 है, NO2, इनको डिसॉल्व करता है और डिसॉल्व करके एसिड बनाता है और उसी एसिड के आयन की प्रेजेंस की वजह से ही रेन वाटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जबकि जो अपना डिस्टिल्ड या मिनरलाइज्ड वाटर है, उसमें किसी भी तरह के आयंस प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। तो क्या लिखेंगे इसमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन समझ में आया होगा भाई, रेन वाटर तो कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से गुजरने देता है, जबकि डिस्टिल्ड वाटर अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने नहीं देता। रेन वाटर क्या करता है, रेन वाटर डिसॉल्व गैसेस लाइक CO2, SO2 एंड NO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। रेन वाटर क्या करता है, डिसॉल्व करता है किसको, गैसेस को। कौन कौन सी गैसेस है, जैसे CO2 होगी, SO2 होगी, NO2 होगी, क्या बनाने के लिए, टू फॉर्म एसिड सच एज, जैसे कि क्या क्या बनेगा, CO2 से बनेगा कार्बोनिक एसिड, जैसे वाटर के साथ CO2 मिलेगा, क्या बनेगा इससे, कार्बोनिक एसिड H2CO3, H2O प्लस CO2। और SO2 क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, या सल्फ्यूरस एसिड भी बना सकता है ये, H2SO3 भी बना सकता है, एंड नाइट्रिक एसिड क्या बनेगा, HNO3 वाटर के साथ मिलके क्या बनाएगा, HNO3। क्या कह रही है, रेन वाटर क्या करता है, गैसेस को डिसोल्व करता है, CO2 H2O प्लस CO2 क्या बनेगा, H2CO3। SO2 क्या बनाएगा, H2O के साथ मिलके। अब कहेंगे सर आप कह रहे हो H2SO3 बनना चाहिए, H2SO4 क्या होता है अपना, स्टेबल होता है SO3 की बजाय, तो यहाँ बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड, जबकि NO2 क्या बनाता है, H2O के साथ कंबाइन करके HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये बनाए इन्होंने। ये जो एसिड है प्रेजेंट है लेस अमाउंट में होते हैं, लेकिन ये डिसॉल्व होते हैं इजीली, क्या बनाने के लिए, आयंस। दीज एसिड्स आर प्रेजेंट इन small amount but ionize in water। ये जो एसिड है ये स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं वाटर में, लेकिन ये क्या होते हैं, आयनाइज होते हैं इजीली, एंड थस रेन वाटर बट आयनाइज इन वाटर, थस वॉटर कंडक्ट, वॉटर कौन सा, रेन वॉटर लिखेंगे इसमें, थस रेन वॉटर इन आयंस की वजह से कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इन आयन की उपस्थिति की वजह से ही रेन वॉटर क्या करता है, कंडक्ट करता है किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। जबकि जो डिस्टिल्ड वॉटर है अपना, उसमें इस तरह का कोई भी आयन नहीं होता। On the other hand, distilled water do not contain such ions and hence
और इसलिए क्या नहीं करता, do not conduct electricity, इसीलिए electricity को conduct नहीं करता। Eighth question है हमारा, why do acid not show acidic behavior in the absence of water? क्या कह रहा है, acid अपना acidic behavior नहीं बनाते जब water नहीं होता। या ये भी आ सकता है ये question, why acid show its behavior only in the presence of water, ये भी आ सकता है। अब पहली तो बात कि जो water है, वाटर में ही एसिड की तरह क्यों बिहेव करता है, उसका भी रीजन है हमारा, जो एसिड है उसमें कौन से आयन होते हैं, एच पॉजिटिव आयन होते हैं। अगर वाटर नहीं होता है तो ये एच पॉजिटिव आयन कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं इसके साथ, जो नॉन मेटेलिक आयन है जैसे कि क्लोराइड आयन हो गया, आसानी से द हाइड्रोजन आयन एच पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन एसिड कैन कंबाइन विद नॉन मेटेलिक आयन जैसे कि क्लोराइड आयन हो गया, उसके साथ कंबाइन कर सकता है। ये क्या लिखा मैंने, जो हाइड्रोजन आयन है जो प्रेजेंट होता है एसिड में, ये क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं नॉन मेटेलिक आयन के साथ वेरी इजीली, बहुत आसानी से। लेकिन अगर ये वाटर में प्रेजेंट है, इफ वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट, तो ये जो हाइड्रोजन आयन है ये कंबाइन करेंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाने के लिए, हाइड्रोनियम आयन। बट When water molecules are present, then H positive ion can combine with किसके साथ, H2O molecule to form क्या बनाने के लिए, H3O positive आयन, हाइड्रोनियम आयन। क्या कह रहे हैं, जब H वाटर नहीं होता तो जो H positive आयन एसिड में प्रेजेंट है वो नॉन मेटेलिक आयन के साथ कंबाइन कर सकता है इजिली। अब H positive आयन कंबाइन कर गया तो एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा, लेकिन जब वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो H positive आयन जो है वो कंबाइन करेगा किसके साथ, H2O मॉलिक्यूल के साथ, क्या बनाने के लिए, हाइड्रोनियम आयन, H3O positive आयन। इसकी वजह से जो एसिड है, एसिड वाटर की प्रेजेंस में अपना एसिडिक बिहेवियर दिखा सकता है, एच पॉजिटिव प्रेजेंट है जबकि उसमें कंबाइन कर सकता है, एज ए रिजल्ट एसिड सॉ इज एसिडिक बिहेवियर इन वाटर। अगर वाटर नहीं होता है तो ये किसी दूसरे नॉन मेटेलिक आयन के साथ कंबाइन कर जाते हैं। अब जब एच पॉजिटिव आयन रहेगा ही नहीं, कम्बिनेशन में चला गया, तो वो अपना एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाएगा। अब कहेंगे कंबाइन तो यहाँ भी कर रहा है, यहाँ करने के बाद एस थ्री ओ पॉजिटिव बना रहा है, एच पॉजिटिव आयन इज ऑलरेडी प्रेजेंट, वो कहीं गया नहीं है। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, फाइव सोल्यूशन ए बी सी डी एंड ई When tested with universal indicator, जब चेक किया universal indicator से, showed PHS, क्या क्या pH मिली, A की है 4, B की 1, C की 11, D की 7 and E की 9, which solution is, इनमें से हमने देखना है कि neutral कौन सा है, strong alkaline कौन सा, alkaline basic को ही बोलते हैं, strongly acidic कौन है, वीकली एसिडिक कौन है और वीकली एल्केलाइन कौन है। अब आपको पहले तो यही पता हो, मैं आपको पीएच स्केल बता चुका हूँ भाई, जब पीएच 7 से जितनी लेस होगी उतने ही ज्यादा क्या होगा वो एसिडिक, 7 से जितनी ग्रेटर होगी उतने ही ज्यादा क्या होगा बेसिक या
एल्के लाइन होगा। अब क्या पूछा है ए में, न्यूट्रल, न्यूट्रल कौन होता है जिसकी पीएच कितनी होती है 7, पीएच 7 किसकी है फोर्थ यानी कि डी की, डी की पीएच कितनी है, द सॉल्यूशन डी शोइंग पीएच वैल्यू 7 इज न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होगा, द सॉल्यूशन डी ए बी सी डी शोइंग पीएच 7 इज न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होगा। फिर बी पार्ट में क्या बोला है, स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन यानी बेसिक, सबसे ज्यादा बेसिक। अब बेस कौन कौन से, एक तो 11 वाला है जिसकी पीएच 7 से ज्यादा है और एक 9 वाला, लेकिन ज्यादा किसकी है 9 और 11 में से कौन से, 11 ज्यादा है, 11 किसकी है सी की, द सॉल्यूशन सी पीएच वैल्यू कितनी है इसकी 11, स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन है, द सॉल्यूशन सी सोमिंग पीएच कितनी 11 इज स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन। सी, सी में क्या पूछा है इसने, स्ट्रॉन्गली एसिडिक। अब एसिड तो वो होते हैं जिनकी पीएच 7 से लेस हो, 7 से लेस कौन कौन सी है, 4 है और 1 है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है जिसकी पीएच कम हो, 4 और 1 में से कौन सा कम है, 1, 1 किसके, बी की, द सॉल्यूशन बी सॉविंग सॉविंग पीएच कितनी है, पीएच 1, 1 है किसकी, बी की, इज स्ट्रॉन्गली एसिडिक। फिर आता है डी, डी में क्या पूछा है इसने, वीकली एसिडिक, वीकली एसिड कौन सा है, एसिड तो 4 वाला भी है 1 वाला है, 1 वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है, 4 क्या होगा, वीकली एसिड पीएच 7 से जितनी ज्यादा सॉरी जितनी कम होगी उतनी ज्यादा क्या होगा एसिडिक, 4 यहां आएगा 1 यहां आएगा, ठीक है, द सॉल्यूशन 4 किसकी है, ए की, ए सोइंग पीएच कितनी 4 इज वीकली एसिडिक। ई पार्ट में क्या पूछा भाई, ये ई पार्ट है, वीकली एल्केलाइन, एल्केलाइन दो है 7 और 11, 11 वाला तो स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन था, वीकली एल्केलाइन कौन सा है 9 वाला, ई द सॉल्यूशन ई सोइंग पीएच कितनी 9 इज वीकली एल्केलाइन। इस तरह के एक नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाते हैं भाई, 3-4 वैल्यू दी उसने और पूछ लिया इनमें से बताओ भी कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है या कौन सा वीक एसिड है, कुछ भी पूछ सकते हैं, या कौन सा न्यूट्रल है। ये 9th क्वेश्चन हुआ हमारा। 10th क्वेश्चन है हमारा, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं ए और एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं हम बी, इनमें मैग्नीशियम रिबन पड़ा हुआ है, दोनों में इक्वल लेंथ है मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन ले रखा है इक्वल अमाउंट, इक्वल लेंथ ले रखी, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें क्या ऐड कर रखा है HCl, और इसमें क्या ऐड कर रखा है, वाइल एसिटिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब बी, एसिटिक एसिड CH3COOH, अमाउंट एंड कंसंट्रेशन टेकन फॉर बोथ द एसिड आर सेम, HCl का भी उतना ही अमाउंट है, CH3COOH का भी, मान लो इसमें 5 ml में भी क्या 5 ml है, और कंसंट्रेशन भी दोनों की सेम दी है। क्या पूछा है, इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फीजिंग ओकर मोर विगरसली एंड वाई, HCl में ज्यादा फीजिंग होगी उसका रीजन क्या है, HCl क्या अपना स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ज्यादा H पॉजिटिव आयन देगा, ज्यादा H पॉजिटिव आयन देगा तो जो हाइड्रोजन गैस है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और जितनी ज्यादा हाइड्रोजन गैस गैस जितनी ज्यादा होगी फीजिंग उतनी ही ज्यादा होगी, प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा।
समझ में आया होगा क्वेश्चन, फीजिंग किस में ज्यादा होगी? फीजिंग विल ऑकर मोर विगरसली इन टेस्ट ट्यूब ए, फीजिंग विल ऑकर मोर विगरसली इन टेस्ट ट्यूब ए, कौन सी टेस्ट ट्यूब में होगी? टेस्ट ट्यूब ए में। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें क्या है, मैग्नीशियम रिबन तो है ही दोनों में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। टेस्ट ट्यूब ए कंटेनिंग मैग्नीशियम रिबन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फीजिंग किस में होगी, ए में या बी में? क्योंकि जो अपना एसिटिक एसिड है ये वीक एसिड है, HCl क्या अपना स्ट्रॉन्ग एसिड, तो फीजिंग किस में होगी जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसने पूछा किस में होगी एंड व्हाई, क्यों होगी, किस में होगी और क्यों होगी, ये तो बता दिया हमने भाई, ए में होगी जिसमें मैग्नीशियम रिबन है। क्यों होगी, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ भाई, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो मोर स्ट्रॉन्ग एसिड है एसिटिक एसिड से, और ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे और ज्यादा क्या होगी, रिलीज होगी हाइड्रोजन की। इट इज बिकॉज हाइड्रो क्लोरिक एसिड इज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन एसिटिक एसिड CH3COOH, इससे स्ट्रॉन्ग एसिड है, therefore it produce more number of हाइड्रोजन आयन, therefore it will produce more number of हाइड्रोजन आयन, क्या प्रोड्यूस करेगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे, फर्दर रिजल्टिंग इन द फास्ट रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, फर्दर क्या करेगा ये, रिजल्टिंग क्या प्रभाव होंगे, रिजल्टिंग इन फास्ट रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। सीधी सी बात है भाई, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये रेडिली कंबाइन करता है मेटल के साथ और क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस इजीली। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड कैन इजीली कंबाइन विद मैग्नीशियम मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन भी आपको शो कर देता हूं मैं, Mg प्लस HCl, 2 HCl लेना पड़ेगा, MgCl2 प्लस H2, ये रिएक्शन क्या है, काफी फास्ट है और इसलिए हाइड्रोजन इसमें जो फीजिंग होगी मोर विगरसली होगी, जबकि जो अपना एसिटिक एसिड है वीक एसिड है उसकी रिएक्शन क्या होगी, काफी स्लो, CH3COOH, टू क्या बनेगा, CH3COOH Mg, क्योंकि एक वैलेंसी है इसकी, प्लस H2, ये क्या है, स्लो प्रोसेस है। समझ में आएगा होगा बच्चों को ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। अभी क्वेश्चन नंबर 11th है, क्या दिया है क्वेश्चन हमारा, फ्रेश मिल्क हैज ए पीएच ऑफ 6, हाउ डू यू थिंक पीएच विल चेंज, कैसे पीएच बदलेगी, एज इट टर्न इनटू कर्ड, जैसे दूध दही में बदला, एक्सप्लेन योर आंसर। अब आपको पता है जो दही होती है वो खट्टी होती है यानी एसिडिक होती है, तो पीएच 6 से भी घटेगी, 6 है मिल्क की 6 दी है, पीएच घटेगी क्योंकि दही खट्टी होती है, दूध इतना खट्टा नहीं होता है, पीएच तो वैसे इसकी थोड़ी सी स्लाइटली एसिडिक होती है, 6-7 से लेस है, द पीएच विल डिक्रीज फ्रॉम 6, पीएच क्या होगी 6 से घटेगी, क्यों घटेगी एक्सप्लेन करना है, व्हेन मिल्क
चेंज इनटू कर्ड पीएच विल क्या होगी, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होती है? इट इज बिकॉज कर्ड इज मोर एसिडिक। कर्ड क्या होती है, दही क्या होती है, ज्यादा एसिडिक होती है। किससे? मिल्क से। देन मिल्क, मिल्क से ज्यादा एसिडिक होती है, इसलिए जो पीएच है वो क्या होगी, 6 से घटेगी। आज के लिए बच्चे इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम कल डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे। थैंक यू।